नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बनाया दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड मोठ कचौड़ी। ये इतनी टेस्टी बनती है, आप इसको बनाएंगे, आप अपनी उंगलियां चाट चाट के इसको खाएंगे। आप इसको जरूर बनाएं और सबको खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए हम आपको बताते हैं ये हमने आपके लिए कैसे बनाई। सबसे पहले हमने कचौड़ी का डो बनाना है। डो बनाने के लिए यहाँ पे हमने मैदा लिया है 2 कप। इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर मिलाएंगे और 2 टेबलस्पून इसमें हम घी डालेंगे। घी हम इसलिए डाल रहे हैं, हमने इसको मोइन करना है। इसको शॉर्टनिंग भी बोलते हैं, जो खस्तापन कचौड़ी में आता है इसी घी की वजह से आता है। ये घी डालने के बाद हमने हाथ से इसको रब करना है, मोइन करना है, जिससे कि बहुत ही खस्तापन आएगा। हाथों से ऐसे करते जाएंगे, अच्छे से मैदे में घी मिक्स हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं घी अच्छे से मिक्स हो गया मैदे में। ये आप टेक्सचर देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसका डो बनाना है। डो हमने ठंडे पानी से बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। एक टाइट डो हमने बनाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही आपने पानी डालना है। एकदम पहले से आप ज़्यादा पानी ना डाल दें, बस हमने इकट्ठा करना है मैदे को, एक टाइट डो बना लेना है। जो डो आपने गूंदना है ठंडे पानी से ही गूंदना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने डो गूंद के तैयार कर लिया है और बहुत ही टाइट हमने डो गूंदा है। अब हम इसको कवर करेंगे, किचन टावल से हम कवर कर देते हैं। इसको हमने गीला कर लिया था और निचोड़ लिया था और 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम आगे कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट करते हुए, ये आप देखिए। इसको एक बार अच्छे से मसल लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, फिर हम आगे कचौड़ी बनाते हैं। ये हमने चिकना कर लिया है। अब हमने ज़्यादा बड़ी कचौड़ी नहीं बनानी, छोटी कचौड़ी बनानी है। इतना हम पोर्शन लेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके ऐसे छोटे पेड़े बना लेते हैं, ये आप देखिए, सारे हम ऐसे बना लेते हैं। फिर हम इनको फ्राई करेंगे कचौड़ी की शेप देके। ये सारे हमने पेड़े बना के तैयार कर लिए, अब हम कचौड़ी बनाते हैं। एक पेड़ा लिया हमने, इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं। बेलन से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ज़्यादा हमने पतला नहीं इसको बेलना। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, आप बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। ये मोठ कचौड़ी जो हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटी बनती है। अभी तो पहले हम कचौड़ियाँ बना रहे हैं, फिर हम आगे दाल बनाएंगे मोठ की। ये आप देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये आप देख रहे हैं। ऐसे ही हमने सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेनी है, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। आगे कचौड़ी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। स्लो फ्लेम पे हमने कचौड़ी फ्राई करनी है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल। ये हम डाल देते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। दो कप हमने मैदा लिया था जिससे 10 कचौड़ियाँ बनी हैं, ये आप देख रहे हैं ना ऊपर आनी शुरू हो गई है। एक बार चला देते हैं और स्लो फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है। इस चीज़ का आपने खास कर ध्यान देना है। ये आप देखिए फूलनी भी शुरू हो गई है, अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इनको फ्राई करना है। जो ये हम मोठ कचौड़ी बना रहे हैं, दिल्ली का एकदम ये फेमस स्ट्रीट फूड है और हर मार्केट में ये आपको मिलेगी मोठ कचौड़ी, वही हम बना रहे हैं आपके लिए। आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इनको फ्राई करना है। ये आप देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, ये आप देखिए, ये एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी की भी हम डाल देते हैं।
ये आप देखिए कितने मजे की बन रही है और कितनी फूल रही है, ये आप देख रहे हैं। बाहर अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, मजा तो आपको बहुत आता है, टेस्ट इतना लगता है आपको, आप चाहते हैं कि बार बार खाते रहे, लेकिन वो अनहाइजीनिकली बनाते हैं। आप कभी देखें कैसे बना रहे हैं, आपका खाने का दोबारा मन नहीं करेगा। वही चीज हम आपको बता रहे हैं घर में कैसे आप सफाई से बना सकते हैं। जो हम इसकी दाल भी बनाएंगे बहुत ही मजेदार बनाएंगे, बहुत ही चटपटी, आप उसको बनाएंगे आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक आपको मसाला भी बनाना सिखाएंगे, पूरी वीडियो आप देखते रहें। एकदम खस्ता कचौड़ियां बन रही है ये, जो ये हम प्लेन कचौड़ी बना रहे हैं इसको आप आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। हमने अपने चैनल पे अचारी आलू की सब्जी डाली हुई है, वो भी आप बनाएं और ये कचौड़ियां बनाएं नाश्ते में, आपको बहुत ही मजा आएगा। जैसे ही ये सारी फ्राई हो जाती है फिर हम आपको मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने मोठ की दाल ली है, इसको मटकी दाल भी बोलते हैं। इसको हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, हमने हाफ कप दाल ली थी, इसको ओवरनाइट हमने सोक कर लिया था। सुबह हमने इसको प्रेशर कुक किया थोड़ा सा नमक डाल के, 5 मिनट हमने कुक किया इसको स्लो फ्लेम पे, एक विसल बजने के बाद इसको हमने 5 मिनट कुक किया है। और पानी का लेवल आपने 1 इंच ऊपर ही रखना है। और जब इसकी स्टीम सारी निकल गई है आप रिजल्ट देखिए, ये आता है, ये अच्छे से गल गई है। आगे हम मोठ कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक चीज का आपने खासकर ध्यान देना है, आपने ओवर कुक नहीं करनी, बिल्कुल आपने मैशी दाल नहीं करनी, खड़ी खड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको मसाला बनाना सिखाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमने 1/2 टीस्पून इसमें काला नमक डालना है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हींग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मोठ कचौड़ी का मसाला बनके एकदम तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमने हरी चटनी ली है, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने कैसे बनाया है, 50 ग्राम हमने पुदीना लिया था, 50 ग्राम हमने हरा धनिया लिया था, 5 क्लोव हमने गार्लिक के लिए थे, 1/2 टीस्पून इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और 2 हरी मिर्च डाली थी और 2 लेमन का जूस डाला था और 1/2 टीस्पून इसमें हमने काला नमक डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ये आप देखिए इतनी पतली होनी चाहिए। चलिए हम आगे मोठ कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है, हमने सारा पानी यूज़ नहीं करना, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि दाल में बहुत पानी था हमने निकाल दिया पानी, इतना ही पानी होना चाहिए, ये आप देखिए। अब हम इसमें जो हमने चटनी बनाई थी वो डालेंगे, 3 टेबलस्पून के करीब हम डाल देंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे, 1 हमने हरी मिर्ची ली है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें लेमन जूस डालेंगे, ये हम डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून के करीब हमने डालना है। मिक्स कर देते हैं, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको असेंबल करते हैं कचौड़ी को। एक सर्विंग हम आपको करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने प्लेटर लिया है। सबसे पहले हम इसमें दाल डालेंगे, इसके ऊपर हम कचौड़ी रखेंगे जो हमने फ्राई की थी। देखिए देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में कितनी टेस्टी होगी। और थोड़ी सी दाल इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके ऊपर हम स्लाइस अनियन डालेंगे, और जो हमने मसाला बनाया था वो स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अच्छे से आपने डालना है। और हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे। तो थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे और लेमन के वेजेस लगा देते हैं। ये आप देखिए कितनी ये बढ़िया लग रही है
और खाने में इतनी टेस्टी है, आप इसको जरूर बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।